बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। हेलो जी, हेलो पापा लिखा हुआ है, ये पापा की तरफ से गिफ्ट है, ले भाई दर्शन। अरे कान्हा जी की तरफ से तो दे नहीं, कान्हा जी लो हाथ लगो, कान्हा जी का लो जी, कान्हा जी का कान्हा जी का हाथ लगो, कान्हा जी पहले दे दो कान्हा जी का। ये कान्हा जी ने गिफ्ट दिया ले पापा और ये शर्ट दर्शन को, ये मम्मी टीका कर रही है, मम्मी का गिफ्ट हम मम्मी देंगे, मम्मी का लिए पापा और ये शर्ट। अब है मेरी बारी, अब पापा संभालेंगे कैमरा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं यहाँ पे 8 और गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि ये व्लॉग सुबह आता है, क्योंकि कई लोग मेरे को बोल रहे थे कि गुड मॉर्निंग क्यों करते हो अगर रात को व्लॉग शुरू कर रहे हो, तो गुड मॉर्निंग मैंने बता दी क्योंकि ये सुबह व्लॉग आता है इसलिए। और अभी आज मेरा बर्थडे है इसलिए अब पहले मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ यहाँ पे। अब कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा और आपको टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ आ ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ दर्शित दे रहे हैं हमें पार्टी कान्हा जी को, कान्हा जी भी पार्टी में जा रहे हैं हमारे साथ, दर्शित की बर्थडे पार्टी में हमारे साथ कान्हा जी भी जा रहे हैं जैसा कि आपने देखा है। तो चलते हैं आप फटाफट से, हम कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को बताते हैं क्योंकि ऑलरेडी रात के बज रहे हैं यहाँ पे 8:05। और भैया ने बताया इनका नाम बबलू है, अगर आप हमें कोई भी अगर टेस्ट वगैरह चेंज करवाना हो ना तो ओके ओके थैंक यू। भैया बता रहे कि अगर कुछ भी स्पाइसी या कुछ हमें चेंज कराना हो ना तो हम करा सकते हैं, इनको बताना है। तो अभी मम्मी भी आई है यहाँ पे पहली बार बारबेक्यू नेशन में, और पनीर आ गया, पापा भी आए, पापा यहाँ पे पहले मोन पर आए हैं, और हमारा यहाँ पे स्टार्टर यहाँ पे सारे शुरू हो चुके हैं। कान्हा जी भी आए हैं, कान्हा जी खा रहे हैं अभी, पापा ने यहाँ पे लगा दिया कान्हा जी को भोग, हमारा स्टार्टर आया अभी, स्टार्टर देखते कैसे। हमारे यहाँ पे टेबल पे पिज्ज़ा भी आ चुका है और गोलगप्पे भी आ चुके हैं, बाकी स्नैक्स भी आ चुका है सारे, और पनीर टिक्का और आ गया है, और चाप वगैरह भी रखे थे, सोया चाप मूंग से चाप ढूंढ के वो खाते हैं अभी फटाफट। पनीर टिक्का और मम्मी कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया टेस्ट सही है। पापा से भी पूछेंगे अभी और रिव्यू लेंगे, कैसा लग रहा है पापा आपको? पापा को कैसा लग रहा है? पापा कह रहे स्टार्टर है अभी, तो और अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी यहाँ पे मम्मी और मैं घूमने आए हैं, और देखो मम्मी को मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये होता है मम्मी दही के शॉट वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं, ये मीठा है ये मतलब सारा। तो हम फूड सेक्शन पे आ गए और ये वेज वाला आइटम ही है, राइस वगैरह, पुलाव, पंजाबी छोले, ये लो चाउमीन। मैं तुम्हारे को प्लेट लेके आता हूँ, चाउमीन लेते हैं। गाइस हमने यहाँ पे चाउमीन ले लिया है और ये चाउमीन जा रही है सीधी हमारी प्लेट की तरफ, वो टेबल की तरफ जा रही है, प्लेट में ही है और मैं कह रहा हूँ प्लेट की तरफ, ये रहता है डेजर्ट में यहाँ पे। गाइस यहाँ पे हमें कम से कम 8:30 आए थे, हम 9 बज गए, आधे घंटे में भरपूर स्नैक्स हो गए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्नैक्स हमने खा लिया, पनीर टिक्का तो हमने बहुत लगाए यहाँ पे, और मतलब वैरायटी तो अच्छी खासी थी यहाँ पे, मतलब पालक की चाट और मतलब क्या क्या अलग अलग वैरायटी थी। और अब चलते हैं थोड़ा डेजर्ट देखते हैं पहले, फिर देखेंगे खाना देखते हैं। और यहाँ पे काफ़ी जनों का बर्थडे है, देखो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन का मतलब सब कुछ कट रहा है यहाँ पे, और हलवा वगैरह भी इस साइड है, हमने वही पसंद आया, यहाँ पे पहली बार आए हैं। और अभी और स्नैक्स देखते हैं, इतने मेरे तो हो गए स्नैक्स इनफ, अभी और देखते हैं क्या खाएंगे, खाना देखेंगे वहाँ पे जाके खाना है। मम्मी पापा तो कुल्फी ले रहे हैं यहाँ पे, और बढ़िया है यहाँ पे, देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के देंगे यहाँ। ये कौन सी बताई थी आपने? ये मलाई है, ये केसर है, वो चॉकलेट है, ये पान है। अच्छा अच्छा, केसर वो है, ठीक है ठीक है, पान, हाँ पान फ्लेवर, अच्छा केसर पान फ्लेवर, पान वाली दे दो, पान वाली
ये ले रहे हैं पान वाले, और मैं देख रहा हूँ यहाँ से कुछ देखने की, कि मैं यहाँ से कुछ देख लेता हूँ और देखते हैं। पापा ने पान ले लिया और ये चॉकलेट, ये अच्छा, ये कुछ और डाला हो। ये एक बार ना हमने क्या करा था, जब हम पहले आए थे ना, सारी एक प्लेट में कुल्फी लगवा ली थी और सब कुछ डलवा लिया था, बहुत बढ़िया करा था हमने। ये उठा के खाते हैं, ये लेता हूँ, हम भी ले लेते हैं गाइस कुछ और चलते हैं। पहले मैं प्लेट भर लेता हूँ, फिर आपको टेबल पर दिखाता हूँ। तो गाइस बीच बीच में ना भैया ना क्वेश्चन भी पूछते रहता, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको टेस्ट भी चेंज कराना हो ना, जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो जो आइटम आता है, अगर स्पाइसी कराना हो, कुछ कराना हो, तो आप उनको बता सकते हो। बहुत कोऑपरेटिव और मतलब अच्छा स्टाफ है, हेल्पिंग स्टाफ है यहाँ पे अभी तक, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। जितना भी मेरा चौथा पाँचवीं बार है इस बार भी, क्यों, मैं हर बार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है फिलहाल। और हम ये लाए हैं, जो मैं आपको कह रहा था ना, मैं प्लेट भर लेता हूँ, एक शॉर्ट्स लाए हूँ, एक ये लाए हूँ, मेरा बट छोटे ऐसा केक मैं ना खुद ही ले आया यहाँ पे, और बाकी सेलिब्रेशन में ये करवाएंगे। और बाकी छोटा सा केक तो मैं ले आया, हमने तंदूर हटवा दिया जो कि बंद करा दिया, क्योंकि अभी हमें डिनर का टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं यहाँ पे 9:08, आप देख सकते हो, इसलिए डिनर का टाइम हो रहा है। तो अभी ये छोटे मोटे स्नैक्स करने के बाद पहले हमने डेजर्ट लिया है, क्योंकि हमारा मन करा था कुछ स्नैक्स के बाद मीठा खाने का, इसलिए हमने पहले डेजर्ट लिया, फिर अब जाएंगे वहाँ पे डिनर करने जल्दी से, और घुमाएंगे फटाफट से। क्राउड देखो, क्राउड अच्छा वाला यहाँ पे आया हुआ है। तो गाइस हमारा यहाँ पे डिनर भी हो चुका है, डिनर के बाद हमारा डेजर्ट आया है। यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे गुलाब जामुन है, यहाँ पे देखो बहुत छोटे हैं, कैमरे में थोड़े शायद बड़े, देखो यहाँ से देखो ये छोटे। और हमने खाना मतलब यहाँ पे ले लिया है, पनीर वगैरह, लच्छा पराठा वगैरह, लस्सी वगैरह सब कुछ यहाँ पे ले लिए हैं। और ये रबड़ी भी बहुत टेस्टी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब कम मीठे की और बढ़िया है। और ये पापा और मन्नू भी पता नहीं कुछ लेने जा रहे हैं यहाँ पे है गुलाब जामुन वगैरह, मीठे का सेक्शन है, डेजर्ट का सेक्शन है, यहाँ से लेके उस कोने तक ना सारा मीठा ही है यहाँ पे। तो मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लगा यहाँ आके, कैसा लगा मम्मी? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। सबके बर्थडे पे यहीं आए करेंगे। अब मम्मी कह रही कि ना सबके बर्थडे पे यहीं आएंगे, क्योंकि ना बहुत अच्छा लगा, और ना खाने का टेस्ट भी बढ़िया था, मज़ा आ गया ना। गोलगप्पे वगैरह भी यहाँ पे बढ़िया थे ना, सारी वैरायटी बढ़िया लगी ना आपको। बस एक चीज़ मम्मी को अच्छी नहीं लगी, कौन सी? पाइन एप्पल का जो करते हैं ना तंदूर में लगा के, वो मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मीठा था ना वो, मीठा अच्छा नहीं लगा। हाँ मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को। पिछली बार मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा लगा था, इस बार तो मैंने टेस्ट ही नहीं करा। मतलब सबके अलग अलग पसंद होती, काफी जनों को पसंद भी आता है, बाकी सब्जी अच्छी लगी, पाइनएप्पल छोड़ के। हाँ, लेकिन मम्मी को इतना पसंद नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। और मतलब बाकी चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मतलब कोई एक चीज़ भी है। हाँ जी हाँ जी, क्लीन करती है, जैसे बीच बीच में भैया आते रहते हैं और आपसे मतलब पूछते रहते हैं, कोई अगर चेंजेस हो या कुछ करवाना हो भी आप करा सकते हो, क्लीन करा सकते हो कभी। अदरवाइज अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका पहला? बढ़िया हमने कहा, बढ़िया रहा। चलो पापा और वहाँ पे देखो कुछ मतलब कुल्फी का फ्लेवर या कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें ये नहीं वो डालना। और मम्मी आपको कैसा लगेगा बारबेक्यू में आके, पहली बार आए हो आप? पहली बार ही, मस्त हो गया। अच्छा लगा, मजा आ गए, मजे आ गए अपना तो यहाँ पे दो दूसरा या तीसरा एक्सपीरियंस रहा, तीसरा भी बहुत अच्छा रहा हमारा। और मैं तो भाई आता ही रहता हूँ, 5-6 बार हो गया मेरा तो। पापा भी है, पापा आपको कैसा लगा यहाँ? मेरा तो पेट फूल गया पापा जल्दी हार मार गए। और यहाँ हमारे कान्हा जी भी आए हैं, ये देखिए पहली बार हमारे लड्डू गोपाल जी भी आए हैं, ये देखो खूब मस्ती कर रहे हैं, खाओ पी के बस बैठे हमारे। और ये मम्मी बैठी है, मेरे भाई इसका बर्थडे है, इसने पार्टी दी आज हमको, मेरे भाई ने पार्टी दी, भाई का बर्थडे है, मम्मी ने आशीर्वाद दे दिया। तो गाइस बात ये है कि ना यहाँ पे ना एक तो स्नैक्स की वैरायटी इतनी होती है ना, इतनी वैरायटी होती है कि आप बहुत खाओगे तो आपको जल्दी पेट भर जाता है। यहाँ पे क्लीन करने के लिए भी यहाँ पे भैया आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी सेलिब्रेशन टाइप कुछ होने वाला है यहाँ पे, बढ़िया। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या कराएंगे, यहाँ पे सब बैठे हैं, भीड़ तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे आई हुई है। और बाकी देखा जाए तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यहाँ पे। मैंने आप लोगों को बताया इस साइड जो ये वाली साइड है, यहाँ पे डेजर्ट रहता है, उस साइड आपके स्नैक्स रहते हैं, थोड़े गोलगप्पे वगैरह, और यहाँ पे केक वगैरह है।
थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट। गाइस यहाँ पे हमारा सारा डन हो चुका है और अभी हमने यहाँ पे कितनी देर बैठे होंगे, 2 घंटे कुछ बैठे होंगे और बढ़िया एक्सपीरियंस जी को भी यहाँ पे काफी अच्छा लगा और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। थैंक यू बबलू जी, बबलू जी सर मेरा नाम बबलू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छी मौका मिले तो वेरी गुड, ओके ओके, सर्विस के लिए मौका एक्सीलेंस से भी ज्यादा देंगे और बताओ, ठीक है, थैंक्स अ लॉट जी, थैंक्स अ लॉट। हमारा यहाँ पे बारबेक्यू नेशन पे यहाँ पे डन हो चुका है और काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। मेरा तीसरा चौथा था, मेरा बर्थडे का पहला था, मैंने मतलब अब तक पार्टी ना यहाँ पे खाई है और अब मैंने दी है, तो अब मेरा भी एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। और चल रहे हैं गाड़ी की तरफ, आपने 6th फ्लोर पे ऐसे गाड़ी भी लगा सकते हो डायरेक्ट, और जैसे 6th फ्लोर पे आप आओगे ना, आते ही साथ आपको सामने वहाँ बारबेक्यू नेशन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको डाइन आउट की तरफ दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पे करना वैरायटी है, यहाँ पे 6th फ्लोर पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, पार्किंग यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाएगी। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, हर तरीके की गाड़ी है, सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और चलते हैं फिलहाल घर पे और ये इस बर्थडे व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अभी मेरे बर्थडे व्लॉग मेरे साथ से एक या दो और आएंगे, क्योंकि मेरे और दोस्त भी आएंगे, वो मेरे से कल या परसों मिलेंगे काफ़ी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना, और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, अगर कुछ भी पसंद आता है यार, एक लाइक ज़रूर कर देना यार।